तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का स्वागत है मंगू भाई के न्यू व्लॉग मंगू मौजी में। तो आज मंगू भाई बताना चाहेंगे कि मंगू भाई का दिन आप सभी की दुआओं से कैसे गुजरता है और पूरी दिनचर्याएं में दिन में मैं क्या क्या करता हूँ, क्या मेरी रूटीन होती है। हर दिन का रूटीन एक जैसा नहीं होता है, मगर आज से बताना चाहूँगा कि आज मैंने क्या क्या किया। सो बने रहें और देखते रहें। सो ये देखो, मन्नत सो रही है अभी तक, वैकेशन के पूरे मज़े लेते हुए छेड़ रही है कि मुझे सोन दो ना। मन्नत मन्नत हेलो करो, व्यूअर्स नो गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग मन्नत, हाउ आर यू? यू आर फीलिंग स्लीपी टिल नाउ? सो गो टू स्लीप। मन्नत को सताते हुए, मन्नत के थोड़े दिन ही रह गए हैं, वेकेशन बस ख़त्म होने वाले हैं, स्कूल खुल जाएंगे, हमारी ड्यूटी भी लग जाएगी लेके आने का, लेके जाने का, होमवर्क कराने का। ये तो भाई बहुत ज़रूरी है, अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ाएं, आगे जाके वो हमारा सहारा बने ना बने, हमने तो अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। तो सुबह की शुरुआत होते ही जैसे ही नींद खुलती है तो मंगू भाई की तो ये आदत है कि भाई अपने काम खुद करो, समझे ना। नहाना तो खुद है, दांत तो घसना खुद है ही है, मगर रात में अपना बिस्तर डालने से लेके सुबह बिस्तर अपना खड़ी करने तक सब काम मैं अपने खुद ही करता हूँ, समझे। तो मंगू भाई के घर पे भी गद्दा है, बिस्तर है, अल्लाह के शुक्र से सोने के लिए पूरी सहूलतें हैं, मगर कुछ बैक पेन होने की वजह से मैं जो है नीचे जमीन पर ही सोता हूँ, खाना भी नीचे ही बैठ के खाता हूँ, इसका मजा ही कुछ और है। बाकी हमारे पुराने बूढ़े बुजुर्ग लोग भी जो है नीचे ही सोते थे, खटिया पे सोते थे, उस टाइम पे थोड़ी ना ये बड़ी बड़ी कंपनियों के नरम नरम गद्दे होते थे। तो उसके बाद जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर साहब खुद ही बोलते हैं कि हवा पानी चेंज कर रहे हैं और थोड़े दिन भाईजान जमीन पर सोए, तो समझे जमीन के अंदर नीचे जाने से पहले ही अपना इंतजाम खुद ही कर रहे हैं, अच्छे नेकी के काम कर रहे हैं। और ये अपने बिस्तर इस्तर घड़ी करना भी खुद सीखे, अपनी औरत बीवियों से कितना काम कराएंगे, अम्मी लोगों से जो तुम्हारा किचन में भी काम देखेंगी, तुम्हारे कपड़े भी धोएंगी, और उसके बाद तुम तो उठे दांत घसे चलो मैं जॉब पे चला, ऐसा मेरे हिसाब से तो नहीं चलता है। और ये ना वीडियो बनाने के मकसद से ये है कि ना आज ये ऐसा नहीं है मैं कर रहा हूँ, ये हकीकत में ये मैं जानता हूँ और मेरा अल्लाह जानता है, जिसे जवाब देना है हमें कि मैं अपने काम खुद ही करता हूँ ज़्यादातर, जितनी कोशिश हो जाए अपना बिस्तर इस्तर खड़ी करना ये सब करने के बाद। ये देखो, ये जो है इसी बार में जब मैं गया था पंजाब तो ये मेरी सासू माँ ने हमें गिफ्ट किया था, इसका नाम है एसी कंबल, जिसे हमने बना दिया है गद्दा, है ना। मैंने यहाँ बहुत ढूंढा कि मेरे को वो मिल जाए नीचे सोने के लिए, क्या बोलते हैं उसको, गोदड़ी, गोदड़ी, मगर गोदड़ी तो मिली नहीं, तो मैंने ये इसी कंबल को ही अपनी गोदड़ी बना दिया। मेरी सासू माँ का बहुत बहुत शुक्रिया, इतना महंगा गद्दा लेने के बाद भी मुझे इस पर अच्छी नींद नहीं आती, माशाल्लाह इस पर नींद बहुत भारी आ रही है मेरे पास। उसके नीचे मैं डाल देता हूँ अपना ये योगा मैट। छोटे छोटे से काम है जो आप करके, वो कहते हैं कि बूंद बूंद से बोले सागर बनता है, और ये छोटे छोटे काम भी आप कर देंगे अपने घर के तो आप जिसके ऊपर डिपेंडेंट हो तो उनके लिए ये काम कम हो जाता है। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लड़कों को सीखनी चाहिए, आता सबको या मुंह से खाना जब सबको आता है। एक मिनट और थी, तो ये हो गया हमारा, अपनी चद्दर अदर भी मैं सब खुद ही खड़ी कर लेता हूँ, सब हो चुका है काम, तकिए चद्दर, और ये तो ये अपने आगे पुराने कपड़े उतार के फेंक दिए इधर से उधर, ये उधर फेंक दिया, ये नहीं भाई अपने कपड़े लो, अपने सब सामान लो जैसा भी है, जो पहन के आए हो, जो महिला है उसको बाथरूम में रखें, जो तुम शाम में फिर पहनने वाले हो उसको अपनी जगह पे रखें। ये छोटी छोटी औरतों को बहुत सारा काम हो जाता है भाई, ये छोटी छोटी चीजें भी अगर तुम उनके दिमाग से बर्डन हटा देंगे तो बहुत बड़ी बात है। इतने लोगों को तो मैं देखा आदत है, मेरी पैंट दे, मेरी शर्ट दे, मेरे मोजे कहाँ है, मेरे पता नहीं, मैं देखता हूँ उनको कुछ कहता ना, वो उनकी जिंदगी, वो अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, मगर मैं अपना सारे काम है आपको तो ये बताऊँ, मैं गांव भी जब जाता हूँ तो मेरी औरत बोलती है मेरा बैग भी आप ही पैक करेंगे क्या, क्योंकि इतने कायदे से मैं बैग पैक करता हूँ, सारा सामान एकदम परफेक्ट जगह पे रख के। ऐसे ही सुबह होने के बाद ये हो गया, मैं उठ गया, मैंने बिस्तर अपना सब जगह पे रख दिया,
और सब अपने अपने काम पे घर पे लगे हुए हैं। मम्मी वॉशरूम में अपना काम कर रही है, वाइफ किचन में अपना काम कर रही है, दुकान का सामान बना रही होगी। किसी दिन इसके ऊपर भी ब्लॉग बनाएंगे कि वो कौन से प्रोडक्ट्स कैसे कैसे बनाती है, आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। ये करते ही फिर इतना कर बिस्तर हो गया घड़ी, और आप बोले कि मंगू भाई ये क्या बता रहे हो, ये क्या पता मुझे पहले दिन से आदत पड़ी है। मैंने जब एसी लिया था, एसी की गारंटी गारंटी वारंटी कराई थी, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, मगर इनके बंदे इतने ढीठ हैं कि वो तुम्हारी फ्री सर्विसिंग करते हैं, आएंगे तो जरूर मगर उसके अंदर एक ऐसी उंगली करके चले जाएंगे कि 3 दिन के बाद फिर उनको बुलाना पड़ता है, समझे। पैसा दिया हुआ है उनको 7 साल का, सर आपको ये मिलेगा, गारंटी मिलेगा, वारंटी मिलेगा, कौन सा पाइप कहाँ से कहाँ डाल के चले जाएंगे, एक एक बूंद गिरनी शुरू हो जाएगी, आदमी को तकलीफ देते हैं भाई। ऐसा काम कोई भी कंपनी वाले मत करें, सबकी दुआ लेने का काम करें, बददुआ लेने का काम ना करें। सब कंपनी वाले ऐसे नहीं करते, मगर मेरे साथ जो हुआ मैं वो बताना चाहूंगा। तो मैं कोशिश यही करता हूँ, यूट्यूब पे वीडियो देख देख के मैंने ये सब सीख लिया कि कैसे कैसे अपनी चीजें जो है एसी को साफ सफाई रखें, जिससे कूलिंग भी अच्छी होगी और लाइट का बिल भी कम आएगा। तो मैं सबसे पहले उठते ही भाई भगवान को अगरबत्ती मेरे ख्याल से बाद में करता हूँ, अपना बिस्तर खड़ी करने के बाद सबसे पहले मैं उठाता हूँ ब्रश और उससे मैं चालू कर देता हूँ एसी की सफाई। ये आउटडोर की सफाई तो मैं रोज करता हूँ, और इनडोर की जो सफाई है वो मैं संडे के संडे करता हूँ। इस संडे को मैं चला गया था देवनार ब्लॉग बनाने के लिए, तो मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैंने मंत्री से बोला कि आज मैं जरा एसी साफ कर लेता हूँ, तुम झाड़ू पोछा इधर का जो है थोड़ी देर बाद कर लेना। हमने भाई घर पे बाई नहीं रखी है, हम जिम नहीं जाते, अपने काम अपने हाथ से खुद करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पसीना निकलता है। घर में कोई दूसरी बाई आ रही है, कुछ तंबाकू खा रही है, कोई गुटखा खा रही है, कोई कुछ काम कर रही है, वो भी है, किसी को जरूरत है तो वो भी अपने घर पे बाइयों को बुला सकते हैं। मगर कोशिश करें, अगर अल्लाह ताला ने आपके हाथ पैर में ताकत दिया है तो मर्द है खुदा बोले अपने काम खुद अपने आप करना सीखें, क्योंकि हमारे घर पे जो दूसरे काम भी करने के लिए आएंगे वो भी तो एक इंसान ही है, आदमी आहिस्ते आहिस्ते सीख जाता है। तो अब ये दिखाता हूँ कि ये अंदर का आउट एसी अंदर से कैसे साफ किया जाता है। ये देखिए हमारा लॉयड का एसी है, इसे अल्लाह की शुक्र से 2 साल हो गए हैं, कोई तकलीफ तो आज तक आई नहीं है। इसको भी क्या है मैं कि हर संडे के संडे इसे साफ कर देता हूँ। ये देखिए जो ये इसमें थोड़ी सी मट्टी दिख रही है, देखो हफ्ते भर में इतनी मट्टी आती है, इससे ज्यादा मट्टी मैं आने नहीं देता हूँ। मैं बोलता हूँ ना मैं अपने से ज्यादा साफ सफाई अपने एसी की रखता हूँ, वो ठंडा रहता है तो मेरा दिमाग एकदम मस्त ठंडा रहता है। ब्रश व्रश ब्लोअर ब्लोअर सब मैंने लेके रखा हुआ है, देखिए जरा सी मैल निकलती है मगर उतनी सी मैल भी काफी है आपके इंडोर के यूनिट के अंदर। इसमें मट्टी जमा होने के बाद जो है मट्टी इंडोर के अंदर तक घुसनी शुरू हो जाती है। ये देखिए 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 ये यहाँ से मट्टी निकल रही है, एसी पे लोड नहीं आता भाईजान, और उससे लाइट के बिल की तो बात नहीं है, कूलिंग होता है, आपकी चीज में तकलीफ नहीं होती। और जब एसी बंद होता है ना तब आदमी को पता चलता है यार कल रात में तो मेरा एसी चला ही नहीं, मुझे नींद आई ही नहीं, थोड़ी सी तकलीफ तो लेनी पड़ती है। तब तक किसी और पे हम जिम्मेदार रहेंगे, पैसे दे देंगे उनसे अपना काम कराने में, उनकी भी ऐसा नहीं है रोजी है, उन लोगों की भी जिनको बड़े हैं ज़ईफ़ हैं जिनको नहीं आता ये सब करने के लिए, कोई बड़ी चीज़ थोड़ी ना है, ये ऐसा नहीं कर पाएंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। बस ये हो गए साफ, इसको मैंने संडे को गीला करके धोया था, इसको गीला करके भी आप बाल्टी में से निकाल के सूखा कपड़ा मार के मस्त चमक जाता है, वैसे तो इसकी भी हालत ऐसी है कि ये मस्त है एकदम। ये इतना करने के बाद थोड़ा सा ये ब्रश को लेके यहाँ मट्टी अटकती है, वैसे तो है ही नहीं मट्टी क्योंकि मंगू भाई ने इसको एकदम चकाचक रखे ले। अगर हकीकत में देखा जाए तो बढ़ से बढ़कर 5 मिनट लगते हैं, कितना टाइम लगता है 5 मिनट लगता है, कि 5 मिनट में आउटडोर भी साफ हो गया, 5 मिनट में इंडोर भी साफ हो गया। ये साफ करते करते ही यहां भी मट्टी नहीं है, मैंने उसी दिन साफ किया था, चेक करते रहता हूँ जब मट्टी आती है तो मैं कर देता हूँ साफ। ये इतना करने के बाद फिर आती है बारी हमारे पंखे महाराज की। ये पंखे महाराज ऐसे हैं कि हम तो एसी अपना सिर्फ रात में चलाते हैं, दिन में एसी चलाएंगे तो काम पे नहीं जाएंगे, सुस्ताते ही रहेंगे दिन भर, समझे। तो ये रात की नींद पूरी हो जाए और कल सुबह काम के लिए खड़े हो जाए, इसके लिए एसी बहुत बहुत तो जरूरी नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जिनके घर पे पंखा भी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें ऐसी चीजों से नवाज दिया है कि चलो कहीं ना कहीं अल्लाह ने समझा होगा। फिर ये क्या पंखों के ऊपर भी देखो ये तो मिट्टी जमती है ना, इससे भी क्या होता है कि हवा कटती नहीं है, समझे। हेलीकॉप्टर नहीं है कि प्लेन उड़ेगा, मगर हाँ यही है कि अपना ही घर है, अपना ही पंखा है और हवा भी हमने ही खानी है, समझे। तो ये हो गई हमारी पंखे की क्लीनिंग, कितना वक्त लगा, मैक्स मैक्स 5 मिनट लगते हैं। ये हो गई हमारी पंखे की क्लीनिंग, ये अब काटेगा हवा को दोपहर में एकदम मजबूत, समझे मेरी बात।
बहुत लोगों को डस्ट की भी प्रॉब्लम होती है, भाइयों से काम कराते हैं, ठीक है भाई भाइयों से भी काम कराएं जिनसे नहीं होता, मगर आज हमारे हाथ पैर में ताकत है तो अपने काम खुद कर लें। मगर क्या पता आजकल की जवान पीढ़ी ऐसी कि उनकी अम्मी बोली कि जाओ बेटा नीचे से ब्रेड और 6 अंडे भी लेके आओ, तो क्या पता उनको क्या हो जाता है, वो जाने को तैयार नहीं होते। पता नहीं क्यों अपना काम होगा, किसी दोस्त का फोन आएगा, मेरे दोस्त का फोन आया तो फटाक से भागेंगे उससे जाके मिलेंगे। भाई अम्मी अब्बा की और बहन की बात सबसे पहले माने घर के अंदर, ये ब्लड रिलेशन होता है, दोस्त तो है ही है, अच्छे वक्त पूरे वक्त में सब पता चल जाता है कौन दोस्त है कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है, मगर अपने काम, ये मैं आपको ये इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं अपने घर के काम जितने छोटे मोटे हैं मैं खुद ही कर लेता हूँ। पंखे साफ करना, पंखों को ऑयलिंग ग्रीसिंग कर लेना, एसी साफ कर लेना, नल के अंदर पानी नहीं आ रहा उसका स्पेंडल चेंज कर लेना, कहीं और भी आपको मैं क्या बताऊँ, ये रूम का काम भी मैंने खुद ही किया हुआ है, मैं और मेरी वाइफ ने मिलकर, आप देख सकते हैं मैंने बहुत अच्छे से काम नहीं किया हुआ है, तब मैं वीडियो नहीं बनाता था। ये पूरे घर का काम जो ये देख रहे हैं, ये पीओपी, ये कलर वाला जो ये मैंने खुद अपने हाथ से लगाया है, यहाँ से लेके वहां तक पूरा रूम मैंने बनाया, ये पंखों को कलर मैंने ही किया है। किसी ने बोला था कि मंगू भाई 25,000-22,000 लगेगा माल के साथ इस रूम का, जो आप ऊपर दिखा सकते हैं दीवार देखिए, जितना मेरे से हो सकता था उतना मैंने किया, थोड़ी दीवार खराब भी है थोड़ी सही भी है। तो इस कमरे का काम जो है मैं और मेरी वाइफ ने मिलकर किया था क्रिसमस की वेकेशन में, दिवाली की वेकेशन में, और मैं आपको ये बता दूं कि हमको पूरे 7 डेज लगे थे खाली इस कमरे को मैंने खरोच के, पीछे से अच्छे से जहाँ जहाँ सलिया दिख रहा था वहाँ रेड ऑक्साइड मार के पीयूपी भर के सब काम करके, और मेरा आपको मैं बता दूं मानो या ना मानो मेरे 3,500-4,000 रुपये लगा था सिर्फ माल मटेरियल में। मेहनत तो हमने की, वो तो लाखों रुपये की मेहनत थी, और वो मजा ही कुछ और था। मियाँ बीवी ने एक साथ टाइम निकाला, हम लोग रोज सुबह सुबह गाने लगाते थे, चालू हो जाते थे, मेरी वाइफ पहले ही पूरे दिन का खाना एक साथ बना लेती थी, फिर उसके बाद हम दोनों एक साथ लग के, ये मंगू भाई आप ये भी समझ ले कि मंगू भाई अकेले में खड़े होकर इतने सारे काम करने की ताकत नहीं है। अल्लाह का शुक्र है मंगू भाई को ऐसी औरत मिली है जिसका मैं जिंदगी भर शुक्रगुजार रहूंगा, जो मेरे अच्छे और बुरे वक्त में मेरे साथ खड़ी रहती है, और यही एक औरत है जो पूरी टैक्सी मैन को समोसे बेल बेल के खिला रही है। आसान काम नहीं है भाई, मैं रोज सुबह उसको उठ के देखता हूँ जब वो इतनी पट्टियाँ बेल रही होती है, आटा गूंद रही होती है, तो मुझे ऐसा होता है कि मैं कब तक, मगर आएगा वक्त आएगा आप सब साथ रहेंगे तो ऐसा वक्त आएगा कि मंगू भाई आगे निकलेंगे। और बाकी ये हो गया हमारा पंखा भी साफ, छोटे मियाँ तो साफ ही है, छोटे मियाँ चलते ही नहीं है ज़्यादा, और ये बड़े मियाँ को हमने साफ कर दिया है, एसी का आउटर और इनर साफ हो चुका है। ये था मेरा आज का काम। वैसे तो मैं चिट्ठी बनाता हूँ, मेरे पास बुक्स पड़ी हुई है, मेरा एक ये असूल है कि जैसे अभी कल क्या लाना है, आलू लाना है, कांदा लाना है, क्या लाना है, तो मेरी बुक बना के रखी हुई है। मेरा ये बहुत बड़ा लफड़ा है कि जब तक मैं बुक में लिखता नहीं हूँ तो मेरे से काम होता नहीं। एक बार मैंने बुक में लिख दिया तो कुछ भी हो शाम तक मैंने वो सारे काम खत्म करने हैं। कोई एक आधा काम किसी वजह से स्किप हो गया तो वो एक अलग बात है। तो आज के दिन में हो चुका है, ये तो रोज ही करता हूँ मैं, सामान वामान रख दिया ऊपर, चद्दर उद्दर से ऊपर ठीक से रख दी है, एसी की आज बारी की साफ सफाई करनी थी, एसी की साफ सफाई हो गई है। तो ये सब होते ही मैं कोशिश करता हूँ कि हफ्ते में 3 से 4 बार जो है जिम जाने का तो टाइम मिलता नहीं है मुझे, तो मैं जो है अपने घर पे ही, मेरे पास डंबल्स पड़े हैं, छोटी मोटी रोज़मर्रा वाली रूटीन एक्सरसाइज जिससे आपकी बॉडी फिट रहे, ब्लड का सर्कुलेशन बन जाए और एक हैप्पी वाली फीलिंग आती है, आप करके देखें। और ये सुबह सुबह ही अच्छी होती है, पब्लिक कहती है मैं शाम में जाऊँगा दोपहर में जाऊँगा, मुझे बस ऑफिस से आके रात में करने के लिए टाइम है। मैं आपको ये कह देता हूँ कि एक्सरसाइज करने का जो मेन मज़ा और उसके जो अच्छे रिजल्ट्स हैं वो सुबह सुबह ही मिलेंगे, जब आपकी, ऐसा नहीं कि आपकी सुबह ही 2 बजे के बाद हो रही है तो कुछ नहीं हो सकता, 8-9 बजे के बीच में सुबह एक्सरसाइज करें। आप देखें थोड़े से डंबल्स करता हूँ मैं, वैसे तो मैं गाने वाने भी लगा लेता हूँ मगर अभी YouTube पे वीडियो बना रहा हूँ तो पीछे कॉपीराइट आ जाएगा इसके लिए, अकेले गाना गा ही देता हूँ मैं। ओ वेखी सोनिया, वेखी सोनिया, अपा मिलांगे जरूर वे, हाय नी अपा फेर मिलांगे नी, रब जाने कद मिलना है नी, कच्चे पक्के राते, तेरे ते यकीन बड़ा पर हुंदा नहीं हो साहते, पलका भी मैं बंद करा तू सामने निगाह दे, दिल करदा मैं हुंदा वे। गाना ना गाते रहे, मंगू भाई को नए पुराने गाने गाने का बहुत शौक है, थोड़ा टाइम पहले यही शौक कहीं गायब हो गया था, पता नहीं क्या हो गया था। मंगू भाई का थोड़ी ये हाथ में प्रॉब्लम है, एक्सीडेंट हो चुका है, थोड़ी यहाँ की ट्राइसेप्स खराब है, फिर भी इस हाथ को मजबूत करने के लिए डॉक्टर साहब ने भी कहा है कि खाते रहें पीते रहें और जिमिंग करते रहें। बड़े बड़े लोगों ने बड़ा बड़ा ऑपरेशन कर दिया था, पता नहीं किसकी दुआ लगी और मेरा हाथ आज देखिए इससे भी भारी डंबल उठा लेता हूँ, मैं घर के सारे काम कर लेता हूँ।
ये सब चीज़ें आदमी जिम में भी जाके करता है। जिम में जाओ, अच्छे वाले नाइकी के जूते लेने पड़ेंगे, अच्छी वाली शॉर्ट्स लेनी पड़ेगी, अच्छा वाला बैग लेना पड़ेगा, 15,000 रुपया साल का जिम का भरना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास भी है 15,000 रुपया जिम का देने का, मगर जो चीज़ें घर पे ही हो सकती हैं, घर के काम करके पसीना ही निकालना होता है, बॉडी को चलाना होता है। मेरी दिन की शुरुआत तो ऐसी होती है, दिन के काम किए अपने, बिस्तर घड़ी किया, वैसे तो चिट्ठी बुला लेता हूँ काम की। बस थोड़े डंबल्स उठाएं, थोड़ी उठक बैठक करें, थोड़े क्रंचीज मारें, बॉडी को थोड़ा वार्म अप करें। देखिए ऐसे करके आप अपने दिन की शुरुआत करें। गर्मी है मगर भाई वो गाड़ी को भी स्टार्ट करने के लिए बोले गर्म करना पड़ता है, चाबी लगा के छोड़ना पड़ता है, टिक 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 टिक, इसीलिए ये बॉडी है। रात भर आप एसी में रहते हैं, कितने लोगों को आदत है कि लेट खाना खाते हैं और सोए रहते हैं, और सुबह उठ के बोलते हैं ना वॉशरूम ठीक से हुआ, ना दिन अच्छे से हुआ, मूड अच्छे नहीं हो रहे। तो ये सब चीज़ें आपके लिविंग ऑफ स्टाइल को चेंज करना है, बैड हैबिट्स को बंद करें, टाइम पे खाना खाएं, टाइम पे सोएं, अपनी फैमिली के साथ एक आधा नीचे राउंड मारने के लिए जाएं। सबके घर के बाजू गार्डन नहीं है मगर हमारी धरती माँ बहुत बड़ी है, दुनिया बहुत बड़ी है। निकल जाओ घर से बाहर घूमते घूमते, आइसक्रीम खाओ, कोल्ड ड्रिंक पियो, वैसे तो मैं कहूँगा आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक से दूर ही रहें, सब जहर है। अच्छा अपना घूमते फिरते जाएँ, थोड़ा स्पोर्ट्स खेलें, बच्चे के साथ मस्ती करें। मन्नत की सुबह अभी तक मेरी पूरा सुस्ता रही है, पूरे मज़े ले रही है, हम भी बोल रहे हैं 3-4 दिन रह गए, मज़े ले ले। बस आज की मेरी एक्सरसाइज हुई है अभी कंप्लीट, अभी जा रहा हूँ मैं अपने काम पे। सीधा पहले मैं घर से निकलते ही कहीं भी जाता हूँ, मैंने आपको पहले भी एक ब्लॉग में बताया है कि मैं पंछियों को जाके पानी डालता हूँ अपनी शॉप, जहाँ मेरी जो बिल्डिंग में है उसके टेरेस पे। मिलते हैं आपको टेरेस। तो आ गए हैं टेरेस पे फिर पंछियों की सेवा करने, इनका पानी बदलेंगे अभी। ये मेरी रोज़ की ड्यूटी है, मुंबई में अगर रहा तो ये काम तो मैं ज़रूर करता हूँ कि यहाँ आके पानी चेंज कर लेता हूँ। कितना भी करीब जाऊँ ये कौवे लोग जल्दी उड़ते नहीं हैं, जानते हैं पहचानते हैं। और मैं यहाँ कहीं भी घूमने के लिए अपनी सोसाइटी में भी जाता हूँ तो ये सबको मार रहे होते हैं सर पे चोंच, मगर मेरे को आज तक इन्होंने चोंच नहीं मारी। और मैं जैसे लेट होता हूँ कभी पानी डालने के लिए तो कौं कौं करते रहते हैं। पानी क्या कल डाल के गया था तो गंदा हो जाता है पानी, पानी तो भरा हुआ है, बारिश में भी टेरेस से पानी आता है, पानी भर जाता है। मगर मैं क्या करता हूँ कि इसकी रोज़ आके क्लीनिंग ज़रूर करता हूँ, किसी पंछी को भी इन्फेक्शन ना हो, कोई गंदगी ना हो। मुझे तो चूहे ले लेके खाते हैं, इनको कोई इन्फेक्शन नहीं होती, फिर भी हमारा काम है जैसे हम कुछ साफ़ सुथरा और अच्छा खाते हैं, तो जो काम कर रहा हूँ इनके लिए भी साफ़ सुथरा और अच्छा करूँ। इस पानी को भी मैं वेस्ट नहीं करूँगा, ये भी यूरिया पानी बन जाता है, ये पानी है जाएगा हमारे। एलोवेरा के झाड़ में जो आपने देखा था, मैंने अपने घर पे चेहरे पे एलोवेरा लगाया था, मैं यहीं से काट के लेके गया था। इससे बहुत सारी दवा बन जाती है, पेट में कुछ गड़बड़ हो, स्किन की कोई प्रॉब्लम हो, तो एलोवेरा बहुत सी कंपनियों का डब्बी में आता है, सिंथेटिक ओरिजिनल तो फिर बाकी ओजी। सो ये देखिए आज की नेकी कबूल हुई, आ गए हैं कौवे महाराज, पानी भी पिएंगे, रोटी भी डालेंगे पानी में, नहाएंगे भी, बड़ा अच्छा लगता है मुझे, चाहे गर्मी का महीना हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो, ऐसे छोटे छोटे काम बेजुबान जानवरों के लिए ज़रूर करते रहें। देखो इनमें भी कोई भेदभाव नहीं है, उसी पानी से कौवा भी पीता है, कबूतर भी पीता है, मगर बाकी जब चील आती है तो सब भाग जाते हैं। और फिर ये परिंदों की सेवा करने के बाद आ गए हैं हम अपनी दुकान पे। शाम में मंगू भाई दान दुकान लगाते हैं, मगर दोपहर में ही मैं साफ़ सफाई कर लेता हूँ मन्नत को स्कूल छोड़ के आने के बाद। ये हमारे वकील साहब सब शाबाशी देते हुए, दारा सेठ क्या है, शाम में जब तक मैं अपने एरिया की सफाई नहीं करूँ तब तक मैं अपने धंधे पर खड़ा नहीं हो सकता। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि जहाँ
सफाई होगी वहीं बरकत आएगी। तो ये सफाई समझो या बरकत समझो या मंगू भाई की ड्यूटी समझो कि जब से होश संभाला है तब से कचरे वाली तो सफाई करके जाती है, मगर मैं भी ये लो मूड बना रहा हूँ। बच्चे लोग आए, मस्ती चलते रहती है। झाड़ू मारने के बाद पानी वानी डाल के टाइल वाइल साफ़ कर देता हूँ थोड़ा। क्या शाम में आओ तो गर्मी होती है तो एरिया एकदम ठंडक हो जाता है, थोड़ा अच्छा लगता है। वो सारे लोग हैं पान की पिचकारी मारते रहते हैं, क्या करेंगे अभी। जैसे संजू बाबा ने बोला है कि भाई अपना काम करते रहो अपने एरिया। बहुत जन कहते हैं क्या मंगू भाई लगे रहते हो साफ सफाई करते रहते हो, जाओ घर पे आराम करो, भाई का काम है भाई को करने दो। भाई अपना करके जाती है, मंगू भाई अपना काम भी कर लेते हैं साथ में एक्सरसाइज भी कर लेते हैं और साथ में जो अच्छे लोग हैं वो दुआ की दुआ भी दे देते हैं। 3-in-1 काम हो जाता है, दोपहर का वक्त कट भी जाता है और साथ में हाथ पैर हिलते रहते हैं। एक नंबर। सो हो गया है अब मंगू भाई के दुकान जाने का टाइम। दोपहर में मैंने लंच लेके 1.5 घंटे का नैप लिया है, थोड़ा आराम किया है और उसके बाद ये इवनिंग में जाते हुए जो है मेरा, बहुत सालों से जब से मैंने होश संभाला है 6-7 साल हो गए हैं, कि मतलब ये है चिया सीड्स हैं इसके अंदर, थोड़ी सी ओरिजिनल कच्ची हल्दी है, ये कड़ी पत्ता है, ये है सनफ्लावर सीड्स जिस पे लिखा है कि 22% प्रोटीन कंटेंट रिच इन ओमेगा 3 फाइबर, और ये है सबसे करोड़ रुपए की चीज़ जो हमारे नबी में हमने फरमाया है कि ये हर एक के घर होना चाहिए, और बहुत ताकत है इसमें, बहुत तासीर है। इसे कहते हैं खजूर, चाहे कोई भी कंपनी का हो जैसा भी हो, मगर खजूर अपनी डाइट में सुबह रात शाम में ज़रूर ऐड करें। ये दुनिया भर का मीठा, मिठाइयाँ और चॉकलेट्स खाने के बाद खाने से अच्छा 1-2 पीस खजूर के ज़रूर खाएँ, तो खाने के बाद ही पता चलेगा उसकी पावर क्या है। ये सब खाने के बाद बस अभी मेरी दुकान पे जाने का टाइम होगा, तो इससे मुझे 3-4 घंटे दुकान पे एक पैर पे खड़े रहता हूँ और इतना काम करता हूँ कि पता ही नहीं चलता है कि रात कब हो जाती है। अल्लाह का नाम लेते लेते माल भी सारा बिक जाता है। और आप भी ज़रूर ट्राई करें कि शाम में चाय तो पीती है पब्लिक, चाय टोस्ट खा रही, मगर ये ज़रूर ये चीज़ें हैं। देखिए कड़ी पत्ता है, मैं फिर बताऊँगा, ये सब्जा जिसे कहते हैं चिया सीड्स, इसमें कच्ची हल्दी है और ये है मेरे सनफ्लावर के सीड्स। खाएं ऐसे नहीं 1-2 दिन ही खाएंगे तो आपको फ़र्क पता चलना शुरू होगा, नहीं 2-3-4 महीना खाएं, 1 दिन खाएं 1 दिन ना खाएं, उससे आपको बॉडी के अंदर एक अलग सी स्ट्रेंथ पता चलेगी, स्टेमिना ही कुछ और रहेगा। ट्राई करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं किसे किसे अच्छा लगा, किसे किसे फ़र्क आया। जज़ाकअल्लाह।